अच्छा बचपन के वो दिन याद होंगे जब जी शॉक वाली वॉच के लिए हम लोग घर वालों से लड़ते थे कि पापा दिला दो 100-200 रुपए में आती थी, वो कॉपी वाली है जो मार्केट में मिल जाती थी, तो वैसी वॉच हमने भी पहनी है। बट आज जो वॉच लेकर आए हैं वो है फायरबोल्ट की तरफ से, दिखने में जी शॉक जैसी है बट है एक स्मार्ट वॉच। ये है फायरबोल्ट की एक्सपेडिशन। अच्छा इस वॉच में आपको एक GPS वाली चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है जो कि सबसे कम बजट में आपको देखने को मिलता है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग बना था इस वॉच को। डब्बा खोलते हैं, डब्बे आपको देखने को मिलती है बस ब्रांडिंग, कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं, कंटेंट पैकेज मिलेंगे, कुछ कागज पे बात करें तो फायरबोल्ट की तरफ से आपको गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, 1 साल का वारंटी कार्ड मिलता है, एक मैनुअल मिल जाती है, एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी और मिल जाएगी आपकी मेन वॉच। अब मेन वॉच को लेकर मैं बात करूं सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपकी रिस्ट अच्छी मोटी है ब्रॉड है तो ही इस वॉच को देखो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइज में काफी ज्यादा मैसिव है। तो थिन रिस्ट वालों को मैं ये कहूंगा कि आप इस वॉच के बारे में ना ही सोचे अच्छा रहेगा। हाँ बट अगर दोस्तों वगैरह के लिए देखना है तो देख सकते हो। अब वॉच की बात करूं मैं यहाँ पे तो आपको फुल जो है वो एक लुक पूरा रगेड स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है यहाँ पर, जैसे कि जी शॉक में आता है वैसा ही टच यहाँ पर दे रखा है। साइड में आपको 3 पुश बटन देखने को मिल जाएंगे और बीच वाला बटन जो है वो रोटेटिंग क्राउन के तौर पर भी काम करता है। ऊपर वाले जो बटन है नीचे जो बटन है वो आपको सिर्फ यहाँ पर पुश बटन के तौर पर नजर आता है। वॉच में यहाँ पर जो डिजाइन है जो स्ट्रक्चर है वो काफी हेवी और बिल्ट आपको जो है ड्यूरेबल देखने को मिलेगी यहाँ पर। प्लस जो बेल्ट है वो भी आपको 22mm के देखने को मिलते हैं। अच्छा बेल्ट में एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जो बेल्ट है ये नॉन रिमूवेबल वाले दे रखे, मतलब अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो ये रिमूव नहीं होंगे इजीली। इसके अंदर जो लॉकिंग सिस्टम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट वाला दे रखा है, तो निकालने की कोशिश मत करना या चेंज कराने की कोशिश मत करना है तो दिक्कत हो सकती है आपको। बाकी यहाँ पर जो पीछे है आपको सारे सेंसर नजर आ जाएंगे, फ्रंट पे आपकी स्क्रीन दे रखी है, स्क्रीन पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है। अभी हमें डिस्प्ले को लेकर बात करूँ तो 1.39 इंच का ये जो है आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट जो क्वालिटी है वो अच्छी यूज कर रखी है और ब्राइटनेस के मामले में भी डिस्प्ले काफी अच्छा लग रहा है और IPS में भी थोड़ा सा ग्रेड जो है बेहतर वाला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो जिसके चलते डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफी अच्छी लगी, ब्लैक्स काफी अच्छे नजर आते हैं यहाँ पर। और ब्राइटनेस की बात करूं मैं ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आउटडोर में यूज कर रहे हो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वॉच विजिबल हो जाती है। मेजर कंसर्न ये भी रहता है कि वॉच में यहाँ पर आपको AOD वगैरह या फिर वेग गेशर देखने को मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पर वेग गेशर मिल जाएगा आपको डिस्टर्ब करने आपका डिस्प्ले ऑन हो जाता है, बट यहाँ पर वो AOD वाली चीज नहीं दे रखी, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम जिसको लेके बात करते हैं वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर बात करूं तो वॉच में बैटरी परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिलती है। 7 डेज यूजुअल जो वॉचेज आती है वो क्लेम करते हैं बट यहाँ 15 डेज कंपनी ने क्लेम कर रखा है, तो आप इस वॉच से अराउंड 7 to 8 डेज एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं अगर आप इसको नॉन कॉलिंग फंक्शन के साथ में यूज करते हैं। कॉलिंग फंक्शन यूज करोगे तो डेफिनेटली कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट नॉन कॉलिंग फंक्शन में आपको 7+ डेज की बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब रही बात देखो यहाँ पे सेंसर को लेकर, तो सेंसर आपको सारे प्रोवाइड कर रखे हैं पीछे, जैसे कि आपका SPO2 हो गया, आपका एक्सेलेरोमीटर हो गया, आपका HR हो गया। और वाटर रेटिंग को लेकर बात करूं तो ऑब्वियसली बात है एक रगेड स्पोर्टी लुक वाली वॉच है तो डेफिनेटली आपको वाटर रेटिंग यहाँ पे हेवी देखने को मिलेगी। तो वॉच में आपको IP67 रेटिंग दे रखी है, तो इनकेस अगर आप शावर में जा रहे हो, बारिश में जा रहे हो, आप बेफिक्र होकर इस वॉच को पहन सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। इवन अगर स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तब तक नहीं आएगी जब तक आप पानी की डेप्थ में नहीं जाओगे। पानी की डेप्थ में जाओगे तो फिर खराब होने के चांसेस जो है इस वॉच के बन सकते हैं। तो ये तो हार्डवेयर को लेकर बातचीत होगी वॉच की, जो कि मेरा से काफी फुलफिल्ड है, पर मैं बात करूंगा इसके UI को लेकर, क्योंकि UI एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं की रोल प्ले करता है जब भी हम लोग वॉच खरीदते हैं। अब इसकी UI जो है आपको नॉर्मल जो बेसिक वॉचेस में UI आती है उस तरह की टच देखने को मिलता है। टॉप सर्वे पे आपके सारे टॉगल्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपको QR कोड सेव करने का ऑप्शन भी दे रखा है, तो अपने QR कोड वगैरह सेव कर सकते हो। बॉटम से करोगे तो बॉटम में आपको यहाँ पे मैसेज रीड करने का ऑप्शन दे रखा है, तो आप मैसेज वगैरह रीड कर सकते हो। साइड से अगर आप देखोगे तो आपकी हेल्थ की जो ट्रैकिंग है, स्लीप मॉनिटरिंग है, HR हो गया, SPO2 हो गया, AI वॉइस असिस्टेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल कर रखी है। अदर साइड से करने पे आपका जो है मेन्यू अपीयर हो जाता है, मेन्यू में देख सकते हैं कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं आपको वो एक्सेस मिल जाता है। और रही बात वॉच फेस चेंज करने की, तो आप ये रोटेटिंग क्राउन को घुमाओगे ऐसे कुछ आवाज भी करता है तो आपकी यहाँ पर जो वॉच फेस है वो चेंज हो जाते हैं। तो UI जो है वो आपको बेसिक सी मिलती है, ऐसा कोई बहुत एक्सट्रीम UI में काम इन्होंने किया नहीं है, बट हाँ स्मूथ वर्क कर रही तो दिक्कत आपको ऐसे यूज में नहीं आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फीचर्स को लेके। अब ये पहली फायरबोल्ट की वॉच है जिसमें आपको इनबिल्ट GPS देखने को मिलता है। अब GPS की जब हम लोग बात करते हैं तो GPS का यूजेज कहाँ है सबसे ज्यादा, तो GPS का यूजेज आता है जब आप बाहर आउटडोर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, एक्टिविटी करने जा रहे हैं। क्या होता है कि GPS एक ऐसी चीज हो जाती है जो आपको प्रॉपर दिखाती है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कहां तक आपने डिस्टेंस कवर कर रही है, और आपका जो एक्टिविटी मूवमेंट है वो आप प्रॉपर यहां पर देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वॉकिंग करने जा रहे हो या फिर रनिंग करने जा रहे हो या फिर साइकिलिंग के लिए निकले हो,
उसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेल रनिंग का देखने को मिला था। और अगर पैदल चल रहे हो, ऑन फुट कहीं आप जा रहे हो, तो अपना प्रॉपर जीपीएस ट्रैक आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर जीपीएस ट्रैकिंग में देखने को मिलती है, और ये यूजफुल चीज़ है। और इस प्राइसिंग पे, जिस प्राइसिंग में अगर आप देखेंगे इस वॉच को, तो मेरे हिसाब से 2000 रुपए के अंदर आपको कोई भी जीपीएस प्रोवाइड नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जीपीएस देखने को मिलती है। और आप डिफरेंट एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर फिटनेस एंथुसियास्ट है, तो डेफिनेटली जीपीएस वाली चीज़ आपके बड़े काम में आती है। और काफी सारे स्पोर्ट्स मोड भी प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। और बेसिकली जीपीएस वाली चीज़ जो है आपके 6 यहाँ पे जो मोड्स हैं, स्पेशल मोड्स हैं, उनमें प्रॉपर वर्क करेगी। बाकी मोड्स में आपको नॉर्मल जो है यहाँ पर ट्रैकिंग देखने को मिलती है, जो कि आपके नॉन जीपीएस वाली रहती है। और इन टोटल आपको यहाँ पर जो है 120 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड जो है देखने को मिल जाएंगे। अपनी बात फिटनेस को लेकर, तो यहाँ पर आपका HR, SPO2 की रीडिंग्स भी काफी क्लोज टू क्लोज मिल जाती है। इवन जो मोशन ट्रैकिंग है वो भी काफी एक्यूरेट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, ऐसी दिक्कत नहीं है। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपकी हेल्थ को दिक्कत देना है, कंसर्न है, तो प्लीज आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट यूज करो। वॉचेस आपको सिर्फ टेंटेटिव आइडिया देने के लिए होती है। अब कॉलिंग की बात करें तो आपको 3 चीजें मिल जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रहती है आपका फोन कॉल में डायल पैड और आपके कॉन्टेक्ट, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कॉल की परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस अभी जब आवाज सुन रहे हैं वो इस वॉच के माइक्रोफोन से आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये वॉच देगी जब आप इसको कॉलिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे। वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। शटर यानी कि कैमरा कंट्रोल मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएगा, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो है ही यहाँ पर। इवन फीमेल के लिए यहाँ पे साइकिल ट्रैकिंग वाला ऑप्शन भी दे रखा है। मैं तो साइकिल्स वगैरह यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। फाइंड माय फोन का ऑप्शन दे रखा है। कैलकुलेटर प्रोवाइड कर रखा है। कुछ गेम्स वगैरह भी अवेलेबल कर रखे हैं, तो आप गेम्स भी यहाँ पर जो है इन्जॉय कर सकते हैं इस वॉच में। और कैलकुलेटर वाली चीज़ तो बड़े काम में आती है। अगर ऑन गो आपको छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेट करनी तो वो वॉच पे ही कर सकते हो। और गेम्स भी आपको यहाँ पे 3 एक अवेलेबल कर रखें। सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ब्राइटनेस बढ़ानी है, टाइम बढ़ाना है, वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है तो आप वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। D&D मोड है, आपको फोन वाला ऑप्शन दे रखा है। सिस्टम में चलते हैं तो यहाँ पे सिस्टम में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सारे फीचर्स और फंक्शन जो है आपको सेटिंग में अवेलेबल हो जाते हैं। अब रही बात इसको एप्लीकेशन से कनेक्ट करने की, तो एप्लीकेशन आप सब जानते हैं इसकी आपको मिल जाएगी दाफिट। दाफिट ऐप से कनेक्ट करने के बाद आप साइट ट्रैकिंग और रिकॉर्ड्स अपने देख सकते हैं। खुद की फोटो लगाना चाहते हैं या फिर वॉच फिजिक्स चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल कर रखें, तो वहाँ से देख लेना। अब फाइनल बात करूँगा मैं अपने ओपिनियन को लेकर कि वॉच किन के लिए है। तो जैसा कि मैंने बात करी स्टार्टिंग में कि वॉच का डायल साइज बड़ा है, और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर आपके थोड़ी सी रिस्ट हेवी है, मतलब मीडियम रिस्ट या फिर थोड़ी सी ब्रॉड रिस्ट है, तो फिर आपके लिए वॉच कहीं ना कहीं जी शॉक के अगर आप फैन हो तो आपको जी शॉक जैसे ही एक लुक वाली वॉच देखने को मिल जाती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि GPS आपको चाहिए। जो आप एक्टिविटी वगैरह करते हैं ज़्यादा, स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आप एथलीट हो और आप बाहर जाते हो एक्टिविटी करते हो, तो आपके लिए फिर GPS वाली चीज़ काम आ जाती है। और इस बजट में आपका आई गेस कोई भी ब्रांड नहीं प्रोवाइड करता, तो आप उस पर्पज से इस वॉच को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी देखोगे तो आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, आप उन वॉचेस के लिए जा सकते हो। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आपको इस तरह की स्पोर्टी लुक वाली वॉच पसंद है या ट्रैकिंग करने जाते हो ज्यादा, तो आप ये देख लेना। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा वाला कमेंट कर देना अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो। बाकी अगर हम नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब वाला बटन आप लोगों के लिए दबा के जरूर से जाना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटिंग रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।